हाई कोर्ट का जज ये कह रहा है कि मुसलमान की मस्जिद में कोई अगर जय श्री राम के नारे लगाता है तो कोई जुल्म नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे ही खामोश रहेगा तो फिर ये एक नया मजहब बना है जो अपने को हिंदू कहता है, वो 5-10% हैं, लेकिन उन्होंने पूरे सारे पानी को गंदा कर दिया है। मस्जिद के सामने जाके तलवारें चलाते हैं और हुकूमत कहती कि कोई फर्क नहीं पड़ता और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता। पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान में हो क्या रहा है और हिंदुस्तान की सरकार ये कह देती है हम रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने हमारी नाक पूरी दुनिया में कटवा दी है। बीजेपी का ये जो इस वक्त का माहौल है, मैं नहीं समझता ये कभी ठीक होगा कि जब भी ये अपोजिशन में आएंगे और जहाँ भी अपोजिशन में आएंगे वहाँ ये दंगे फसाद इस तरह की हरकतें करेंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी हारी है और हारेगी वहाँ वहाँ दंगे होंगे और ये कराएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अपोजिशन की जो हैसियत है वो इस हैसियत में है ही नहीं कि वो इनसे लड़ सकें। दो आदमियों को पर नहीं है, एक नेताजी को नहीं है, एक मोदी साहब को नहीं है, दोनों अपने सारस की तरह नीचे है कि हम विषगुरु हो गए। पूरा स्ट्रक्चर चरपरा गया है। ये कैसे ठीक होगा, इसके लिए नस्लें लगेंगी और नस्लें जब आएंगी जब हम भूख से मरेंगे। उत्तराखंड में एक मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की जाती है, पुलिस बकायदा उस मस्जिद को लेकर के स्टेटमेंट जारी करती है कि वो लीगल है, अथोराइज है पूरी तरह से, लेकिन भीड़ है कि वो उसको गिराना चाहती है, जिसको लेकर के झड़प हुई, 7-8 पुलिस वाले भी जख्मी हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हालात अभी भी जो है वहाँ पर ख़राब बने हुए हैं। ये तो हर हफ्ते का किस्सा है, ये हर हफ्ते का किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे ही खामोश रहेगा तो फिर ये एक नया मजहब बना है जो अपने को हिंदू कहता है, वो 5-10% हैं, लेकिन उन्होंने पूरे सारे पानी को गंदा कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट, आप ये सोचिए कि हाई कोर्ट का जज ये कह रहा है कि मुसलमान की मस्जिद में कोई अगर जय श्री राम के नारे लगाता है तो कोई जुल्म नहीं कर रहा है। जज ये भी समझ रहा है कि नवरात्रि में जो सबसे मजहबी इतना पाक त्यौहार है कि आप 9 दिन फास्ट रखते हैं, अपने को प्योरीफाई करते हैं, अपने 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 गॉड को खुश करते हैं कि आप भूखे रहते हैं, और जब जश्न का दिन आता है तो मस्जिद के सामने जाके तलवारें चलाते हैं और हुकूमत कहती कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दिखाई नहीं पड़ता, और उसके बाद ये कहा जाता है कि हम बहुत सेकुलर मुल्क हैं, हम बड़े रवायती हिसाब के लोग हैं। ये एक मजाक है, ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है और पूरी दुनिया देख रही है। आपने देखा ही होगा कि परसों टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा एक पेज हिंदुस्तान के ऊपर, उमर खालिद के ऊपर लिखा है और लिखा कि यहाँ की जुडिशरी ये कर रही है क्योंकि वो मुसलमान है, 4 साल से बगैर कोई मुजरिम जुर्म किए कि न मुकदमा चलाया गया न बेल दी गई। पूरी दुनिया जानती है हिंदुस्तान में हो क्या रहा है और हिंदुस्तान की सरकार ये कह देती है हम रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने हमारी नाक पूरी दुनिया में कटवा दी है। पहले जब हम कुछ नहीं थे, दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है मोदी जी को, विश्व गुरु हैं वो तो। दो आदमियों को पर नहीं है, एक नेताजी को नहीं है, एक मोदी साहब को नहीं है, दोनों अपने सारस की तरह नीचे हैं कि हम विश्व गुरु हो गए, वो विश्व के सबसे बड़े नेता हो गए, ये विश्व गुरु हो गए, लेकिन दोनों की हैसियत वही है इंटरनेशनल पोजिशन में, क्योंकि दुनिया तो देख रही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा नायाब मुल्क था जिस पर दुनिया उंगली उठा के कहती थी कि भाई हिंदुस्तान ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ हर तरह के मजहब के लोग हैं, हर जबानें बोली जाती हैं, सब लोग मिलके रहते हैं, उस मुल्क का मजाक उड़ रहा है। ये तो मुल्क को खोखला कर दिया है लोगों। साहब, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में तो जो कुछ चल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी आए दिन इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। मजबूरन
मस्जिद कमेटी को शिमला की जो मस्जिद है दो फ्लोर गिरा अपने आप ही जो है हटाने पर मजबूर होना पड़ा। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ गई थी, आने के बाद उन्होंने जो हालात बताए, वहाँ के डिप्टी मेयर ने यह कहा कि 20 से ज़्यादा मंदिर ऐसे हैं जो फॉरेस्ट ज़मीन पर बने हुए हैं, खुद हाईकोर्ट जो है वो इलीगल है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 8 मंजिल इमारत हाईकोर्ट की है। तो ये पूरा एक बहाना बनाया गया, एक छोटे से इशू को इतना बड़ा इशू बनाया और पूरे राज्य में जो है वो आग लगा दी गई। कांग्रेस खामोश बनी, देखती रही, राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं बोला उस पर, सोनिया गांधी जो कहीं उत्तर प्रदेश में किसी दलित के यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो खुद पहुँच जाती हैं, लेकिन इस पर एक ट्वीट भी नहीं किया किसी ने। देखिए बीजेपी का ये जो इस वक्त का माहौल है, मैं नहीं समझता ये कभी ठीक होगा कि जब भी अपोजिशन में आएंगे और जहाँ भी अपोजिशन में आएंगे वहाँ ये दंगे फसाद इस तरह की हरकतें करेंगे, और जो आज की जो अपोजिशन लीडरशिप है उसमें दम ही नहीं है कि वो उनसे लड़ पाए, क्योंकि इतने वाक़यात हो गए हैं जहाँ जहाँ बीजेपी हारी है और हारेगी वहाँ वहाँ दंगे होंगे और ये कराएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो अपोजिशन की जो हैसियत है वो इस हैसियत में है ही नहीं कि वो इनसे लड़ सकें। पूरा स्ट्रक्चर चरमरा गया है, ये कैसे ठीक होगा इसके लिए नस्लें लगेंगी, और नस्लें जब आएंगी जब हम भूख से मरेंगे, जब हम हर तरह से मरने लगेंगे और जब गरानी इतनी बढ़ जाएगी तब शायद ये एहसास हो कि मज़हब मज़हब नहीं पेट बड़ी चीज़ है, वो पेट जो है वो लाएगा। लेकिन उम्मीद अब ये समझा जाए कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो ये रुक जाएगा, इतना दम किसी में नहीं है। अब इंदिरा गांधी दोबारा नहीं आने वाली, या कोई ऐसा लीडर दोबारा नहीं आने वाला है, अब तो जो भी लीडर आएगा वो इनसे डर के काम करेगा। कांग्रेस ने हरियाणा इलेक्शन को देखते हुए इस पूरे मामले पर खामोशी इख्तियार की, उसके बावजूद हरियाणा हार गए। हरियाणा कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए बड़ा अफसोसनाक हुआ। जब से ये डिफेंसिव हो गए थे जनरल इलेक्शन के बाद, हरियाणा ने इनको ऑक्सीजन दे दी, और हरियाणा का इलेक्शन आते ही आपने तो हरियाणा में मस्जिद के मसलों पे बहुत कवर किया है, ये बात शायद आपको नहीं मालूम, मैं तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ता लेकिन मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ। जहाँ पर इलेक्शन के बाद हरियाणा इलेक्शन जीतने के बाद पहले दिन जो पहली जुमे को जो नमाज हुई वहाँ आ गए वही लोग, वही लाउड स्पीकर बचे, वही गालियाँ दी गई, तो ऑक्सीजन को दोबारा मिल गई है। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की है, उनके निकम्मेपन से जो एक मूवमेंट बना था कि हाँ मोदी हार सकते हैं वो ख़त्म हो गया। अब ये जब तक कि हार्ड कोर फैसले नहीं करेंगे, जो इनमें हिम्मत भी नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ कि राहुल गांधी डायरेक्ट अटैक करते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी टीम है वो आज भी 14 कैरेट सेकुलरिज्म पे काम कर रही है, यही अफसोस की बात है।